हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 4 के बारे में देखेंगे। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, यदि ए इज इक्वल टू 151 20 माइनस 13 माइनस 321 तथा b बराबर दिया हुआ है 342 माइनस 120 253 तथा c बराबर दिया है 401 13 माइनस 2223। तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। पहले हम यहाँ तक केवल क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है एड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम कंडीशन निकालेंगे a प्लस बी की, ए प्लस बी निकालेंगे। तो a की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 ऐड करेंगे b 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। हमने कहा था कि इनके संगत मान यानी कि कंपैरिजन वैल्यू आपस में ऐड होगी, तो फर्स्ट नंबर ऐड टू फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ऐड टू सेकंड नंबर, ये हम रो या कॉलम किसी में भी ले सकते हैं। तो देखो, हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 1 और 3 हमारे हो जाएंगे 4, 5 और 4 हो जाएंगे 9, 1 और 2 हो जाएंगे हमारे 3। 2 में हम जब ऐड करेंगे तो ये सिंबल हमारा कौन सा आ गया, माइनस का, तो ये 2 में 1 सबट्रैक्ट हो जाएगा, यहां बचेगा 1। 0 में 2 ऐड करेंगे, यहां बचेगा 2। माइनस 1 में हमने कितना ऐड करेंगे, 0, तो हमारा यहां क्या बचेगा, माइनस 1। माइनस 3 में 2 ऐड करेंगे, बचेगा माइनस 1। 2 पे 5 ऐड करेंगे, हो जाएगा 7। 1 पे 3 ऐड करेंगे, हो जाएगा 4। यानी हमारे a प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये हमने फाइंड कर ली। उसी तरह हम किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b माइनस सी की। तो b माइनस सी भी हम देख लेते हैं, यानी ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हम सेकेंड स्टेप देख रहे हैं। तो यहां हम करेंगे b माइनस सी। b की वैल्यू हमारी क्या दे रखी थी, 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। माइनस करेंगे, c की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब यहां पर कंपैरिजन वैल्यू यानी कि जो इसके संगत मान है उनको हम क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर देखते हैं क्या आता है। तो हमारा यहां पर होगा 3 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आएगा माइनस 1। 4 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा हमारा 4। 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा हमारा 1। इसके बाद हम सेकेंड कॉलम में आते हैं, माइनस 1 में ये हमारा माइनस जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों सिंबल ऐड हो जाएंगे और सिंबल हमारा किसका होगा, माइनस का। माइनस माइनस हमारे क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा माइनस का 1। 0 में हमको माइनस 2, तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ सिंबल किसका आएगा, प्लस का आएगा। 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 0। 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 3। 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ क्या आएगा, 0। यानी हमको दो चीजों की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि हमने a प्लस बी और b माइनस सी दो की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। क्योंकि अब यहां हम देखेंगे, क्योंकि जो हमारा आगे सवाल दिया था सत्यापित करने के लिए, वहां पर b माइनस सी और a प्लस बी की वैल्यू का यूज हो रहा था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को रोक कर रखेंगे। अब इनकी वैल्यू को रोक कर इसमें हम क्या करेंगे, रखेंगे LHS और RHS को, हमको प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो हमने देखा, हमने a प्लस बी और b माइनस सी की वैल्यू को एक जगह रख लिया। अब इस क्वेश्चन में हम b माइनस सी की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। प्लस किया हमने, और b माइनस सी की वैल्यू हमारी क्या दे रखी हुई है, माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। अब यहां हमने इक्वल लगाया, हमको RHS लिखना था, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या दे रखी थी,
ए प्लस बी की वैल्यू हमारी दे रखी थी 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। माइनस सी की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब देखो यहां पर हमको ऐड करना है, वहां पर हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। देखेंगे 1 में 1 सबट्रैक्ट यानी माइनस हो जाएगा तो यहां आएगा 0, यहां प्लस यहां माइनस दोनों आपस में क्या हो गए 0। यहां हमारा क्या बस गया -3 -3 में 0 करेंगे तो बचेगा हमारा -3। 5 में 4 ऐड करेंगे होगा 9, 0 में -1 तो बच जाएगा -1। इसके बाद आएगा 2, 2 में 3 करेंगे आ जाएगा 5। 1 और 1 हमारे हो जाएंगे 2, -1 में 2 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा +1, 1 में 0 ऐड करेंगे हो जाएगा 1। अब देखेंगे आरएचएस में, तो आरएचएस में देखेंगे 4 में 4 सबट्रैक्ट करना है यहां क्या बचेगा 0, 1 में 1 सबट्रैक्ट करना है बचेगा 0, 2 में 1 यानी ये माइनस था ये भी हमारा माइनस तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -3। यहां 9 है यहां 0 तो यहां क्या हो जाएगा 9, 2 में 3 सबट्रैक्ट करना है यहां क्या बचेगा माइनस का 1, 7 में 2 सबट्रैक्ट करेंगे यहां बचेगा 5, 3 में 1 सबट्रैक्ट करेंगे यहां बचेगा 2, -1 और -2 हमारे क्या हो जाएंगे क्योंकि यहां माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का सिंबल हो गया, प्लस के सिंबल में -1 होगा तो हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, और 4 में 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां क्या बचेगा 1। तो देखेंगे हमारा जो LHS था वो किसके इक्वल है RHS के, यानी LHS इक्वल RHS, ये हमारी कंडीशन क्या हो गई प्रूव्ड हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, इससे और नहीं देता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 5। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दे रखा है, यदि a बराबर 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3 तथा b इज इक्वल टू दिया है 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 2/5 हो तो 3a-5b परिकलित कीजिए, यानी हमको अब वैल्यू फाइंड करनी है 3a-5b की। तो यहां हम 3a-5b नोट कर लेते हैं, 3a-5b यहां a की वैल्यू रखेंगे और किसकी रखेंगे b की। a की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3 -5 b की वैल्यू क्या दे रखी है 2/5 1/5 6/5 3/5 2/5 6/5 यहां 7 है 1 4/5 2/5। यहां पे हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है 3, तो इसका हम कॉलम पे क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कॉलम पे मल्टीप्लिकेशन करने से हमको एक ये प्रॉफिट होगा कि जो अपान में 3 दिए हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। 3 का जैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा 3 और 3 निगेटिव हो गया, केवल क्या बच गया 2। 3 बन जा कितना हो गया 3, 3 3 डिवाइड हो गया यानी खत्म उसका काम तो हमारा बच गया 5। यहां हमारा बचा 1 2 4 7, अब यहां 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहां बचेगा 2। सेम वही कंडीशन इसमें है तो हम 5 की कंडीशन में जाएंगे तो बचेगा हमारा 2, यहां हमारा बचेगा 3 और 5 बन जा हमारा क्या हो जाएगा 5। यहां हम सबट्रैक्ट करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 1 2 4 7 6 2 यहां निकल गया। अब इनको आपस में क्या करना है सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट करना है तो यहां पर जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 में 2 डिवाइड किया 0, 3 में 3 डिवाइड किया 0,
फाइव में फाइव डिवाइड किया जीरो, वन में वन डिवाइड किया जीरो, टू में टू जीरो, सभी इसके पद क्या रहेंगे जीरो, यानी सेम टू सेम जब सारे पद हमारे होंगे तो सबट्रैक्ट करने में हमें क्या मिल जाएगा जीरो, और जीरो किस प्रकार का अवयव है शून्य अवयव, ये शून्य या फिर इसे क्या कहा जाता है रिक्त अवयव, जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन हमारा वेरी सिंपल था, इसमें हमने देखा इसमें वैल्यू हमको रखनी थी और वैल्यू रख के उनको क्या कर देना था सबट्रैक्ट करना था, जैसे ही सबट्रैक्ट किया हमारा क्या आ गया शून्य रिक्त अवयव, जिसे इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन सिक्स दे रखा है, सरल कीजिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन कॉस, ये हमारा कॉस किसमें है मल्टीप्लिकेशन पे है, प्लस साइन, साइन हमारा मल्टीप्लिकेशन पे है, साइन माइनस कॉस, कॉस साइन, यहां से इसको हमको सिंप्लीफिकेशन करना है यानी सरल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉस के अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कॉस का जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का इसमें करेंगे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद साइन का कॉस में माइनस में है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस का कॉस में होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आ गया, बीच में सिंबल था प्लस का हमने प्लस का लगाया। इसके बाद हम करेंगे तो साइन का साइन में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें होगा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का कॉस में होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का साइन में होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको आपस में क्या करना है ऐड करना है, तो कंपेरिजन वैल्यू यानी संगत मान आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो कॉस और साइन आपस में जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपस में जुड़ेंगे बट सिंबल हमारा चेंज होने के कारण प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा माइनस में ये हमारा प्लस में, तो हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस और साइन को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखेंगे ये वैल्यू हमारी एक प्लस की है और एक माइनस की, तो ये आपस में हमारी निगेटिव यानी कट जाएंगे, ये माइनस प्लस में है तो ये भी हमारी क्या होगी कट जाएंगे। इस वैल्यू यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू का मान होता है वन, यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे भी हमारा जीरो आया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया वन, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये राइट हो गया, क्लियर। तो इसमें जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट पे बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। वेरी सिंपल है, पहले को क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों की कंपेरिजन वैल्यू को ऐड करना है, ऐड करने के बाद ये दोनों आपस में निगेटिव यानी कट जाएंगे और इनकी वैल्यू का यानी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है वन, तो हमने वन उसको क्या कर दी फाइंड कर दी। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन सेवन दे रखा है एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेके हल करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास टू इक्वेशन दी रखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7205, ये हमारी इक्वेशंस फर्स्ट हो गई, और x माइनस वाई इज इक्वल टू यहां देखेंगे तो 3003 हो गई, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन सेकंड। यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारे सिंबल है इसको हम क्या कर दें इक्वेशंस को ऐड कर दें, यानी इसको हम क्या कर दें ऐड कर दें, तो ऐड करने में क्या होगा वाई वाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, x x क्या हो जाएगा 2x is equal to comparison value add होनी है तो 7 और 3 हो जाएगा 10, 2 और 0 add हो जाएगा तो 2, 0 और 0 add होगा तो 0, 5 और 3 add होगा तो 8।
अब हमने मल्टीप्लाई के आपको हमने बताया था यो डिवाइड के बारे में, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 5 10, 2 1 2, 0 में हम डिवाइड करेंगे 0 होगा और 2 4 8, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू हमारी आ गई 5 0 1 4। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसकी वैल्यू को हम सेकंड में रख दें। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देख लेते हैं इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू दे रखा था 7 0 2 5, x की वैल्यू हमने डिफाइन की थी 5 0 1 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 5। अब यहाँ ये प्लस में वैल्यू है उधर जाएगी तो हमारी किस में हो जाएगी सब्ट्रैक्ट में, तो सब्ट्रैक्ट हमको करना है, यानी हमको क्लियर पता है कि कंपेरिजन वैल्यू आपस में क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। ये जब उधर जाएगा तो ये हमने यहाँ से क्या कर दिया इरेज कर दिया, और इसको हमने कहाँ लिख दिया इधर लिख दिया, यानी x की वैल्यू हमारी थी 5 0 1 4। अब यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में हमारा 7 होगा तो आएगा 2, 0 में 0 गया 0, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 5 में 4 हमारा हुआ 1। तो x एंड y की वैल्यू हमने क्या कर ली फाइंड कर ली, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों में इक्वेशन बनने की कंडीशन होती है, और ये हम लोग छोटी छोटी कक्षाओं से भी पढ़ के आ रहे हैं कि जब हमारे इक्वेशन होते हैं तो या तो उन्हें ऐड किया जाता है या फिर उन्हें क्या किया जाता है सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब ऐड होता है तो इनके सिंबल चेंज नहीं होते, और जब सब्ट्रैक्ट होता है तब इनके सिंबल क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन में, तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 2x + 3y = 2 3 4 0, और 3x + 2y बराबर दे रखा है 2 - 2 - 1 5। अब यहाँ हमने देखा था इस क्वेश्चन में हमारा एक में प्लस था और एक में क्या था माइनस था, बट इसमें दोनों में प्लस दे रखा है, तो यहाँ हमको क्या कराना होगा कुछ मल्टीपल, यानी x को यदि हमको कॉमन बनाना है तो ऐसा कौन सा टेबल काउंट करें कि दोनों में वो संख्या कॉमन बन गई हो। तो देखो 2 के टेबल और 3 के टेबल में 6 कॉमन बनता है कि नहीं बनता, तो यहाँ हम देखेंगे हमने क्या कर दिया कि हमको 6 बनाना है, इसमें हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, और इस इक्वेशन पे हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन गए 3 2 6 6x + 3 3 9y = 2। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन ईच नंबर पे होगा तो हमारा हो जाएगा 3 2 6 4 3 12 3 3 9 0 0 होगा। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो हमारा हो जाएगा 6x + 4y = 4 - 4 - 2 10। अब यहाँ हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने में हमने बताया था कि इसमें जो हमारे सिंबल होंगे वो क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये हमारा माइनस माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 6x क्या हो गया कट गया, 9 में हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया हमारा क्या बचा 5y। अब यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 में 4 यानी कंपेरिजन वैल्यू को हम करेंगे तो 6 में 4 गया हमारा क्या बच गया 2, 12 में हमारा माइनस करना है माइनस माइनस को हमारा प्लस हो गया तो 12 और 2 हमारा क्या हो गया 14, 9 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 13, और 10 है ये प्लस का है बट सिंबल यहाँ क्या लगा है माइनस, और जीरो से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -10। ये हमारा क्या हो गया, ये हमने इधर क्या किसमें था मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 2/5 13/5 14/5 और माइनस का 2। ये हमने क्या निकाल लिया इसका आंसर, ये हमारी किसकी कंडीशन का था y का। अब इस y की वैल्यू को किसी में रख के हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे।
हम y की वैल्यू के इक्वेशन फर्स्ट पे रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3, y की वैल्यू हमारी क्या थी 2/5, 14/5, 13/5, -2 इज इक्वल वैल्यू हमारी 2, 3, 4, 0। अब यहाँ हम करेंगे तो 2x इज प्लस हमारा हो जाएगा 3 2 6/5, 14 3 4 2/5, 13 3 39/5 और 3 2 6 इज इक्वल 2, 3, 4, 0। ये प्लस में था उधर जाएगा, माइनस में होगा तो 2x इज इक्वल हो जाएगा 2, 3, 4, 0 -6/5, 42/5, 39/5, -6। सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2x इज इक्वल, 2x इज इक्वल हमारा क्या रहेगा 5 2 10, यानी हमारा क्या होगा 4/5 हमारा होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा -22/5, ये हमारा निकल आएगा। एलसीएम लेके ये सारी चीजें काउंट करनी है, इनका एलसीएम लेके हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, हमने अपने माइंड में कर लिया, आप लोग अपने कॉपी पे भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे माइनस का 24/5 और यहाँ हम 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। और जैसे ही ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में था उधर हमारा जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2, यानी हमारा 2/5 या 22 था तो हमारा हो जाएगा -11/5, वहाँ टू जाएगा तो माइनस का 12/5 और 2 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 3 6, यानी x एंड y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे हमने आपको डायरेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, इनमें इक्वेशंस को क्या करना होता है, क्यों सॉल्व करना होता है और आंसर अपने आप आसानी से निकल आते हैं। तो आज तक के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो आप पीछे वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज से लेके पूरा एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करके बताया गया।